नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आम आदमी पार्टी इस वक्त अपने सबसे मुश्किल दौर में है। सिसोदिया सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद भी वैसी स्थिति नहीं थी जैसी आज है। एक और पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, तो दूसरी ओर लोकसभा चुनाव। सवाल ये भी है कि आखिर कब तक जेल से ही अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे। इन सब के बीच पार्टी के कुछ नेता साथ छोड़कर धीरे धीरे जा रहे हैं, तो वहीं कुछ साथ होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे। केजरीवाल के इस बुरे वक्त में उनके चहेतों ने उनका साथ छोड़ दिया है। इसको लेकर विपक्ष तो सवाल खड़े कर ही रहा है, साथ ही पार्टी के अंदर भी चर्चा तेज हो गई है। तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल की हालत और मुश्किल वक्त में करीबियों के गायब होने को लेकर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल परेशान थे, बड़ी मुसीबत के वक्त कहां गए करीबी, गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल से दूरी क्यों, आप सांसदों के बहाने की क्या है सच्चाई। इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और पार्टी के अंदर बवाल मचा दिया है। अच्छे समय में जो केजरीवाल के चहेते थे, आज वो बुरे वक्त में केजरीवाल को बीच मझधार में छोड़कर कहीं चले गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही पार्टी में हलचल बढ़ती जा रही है। पहले पंजाब से इकलौते लोकसभा सांसद सुशील टिंकू ने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, उनके साथ एक आप विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए। अब जैसी परिस्थितियां बनती दिख रही हैं, उसे तो यही लग रहा है कि पूरी पार्टी ही संकट के दौर में। आम आदमी पार्टी के करीब 7 सांसदों ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से दूरी बनाई, वह रहस्यमय है। इन सांसदों ने पार्टी से दिख रही दूरी के विषय में जो तर्क दिए, वो किसी गले से नहीं उतरता दिख रहा। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद का त्याग पत्र पार्टी को डराने के लिए काफी है। वैसे भी पार्टी नेता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए नीति केंद्र सरकार लगातार आम आदमी पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही है। 21 मार्च को अपने राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया है। लेकिन इस बीच जैसा कि ऑब्जर्व किया गया है, अवलोकन किया गया है, देखा गया है, 10 राज्यसभा सदस्यों से अधिकांश इन प्रदर्शनों से गायब रहे। केवल संजय सिंह, संदीप पाठक और एनडी गुप्ता को ही इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ता के साथ खड़ा देखा गया। जाहिर है कि छोटी सी पार्टी में कोई नजर आता है नहीं आता है, बहुत बड़ी पार्टी होती तो कुछ लोग गायब होते या अपने ही गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज नहीं उठाते तो बात ढकी छिपी रह जाती। लेकिन आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि पार्टी छोटी है, कोई भी गायब रहेगा नजर सीधा जाएगी। इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि इन नेताओं ने जो अलग अलग तर्क दिए हैं, वो भी कुछ पच नहीं रहा है। आपके राज्यसभा सांसदों के इस रवैये के बारे में संजय सिंह का कहना है कि वो भी काबिले गौर है। संजय सिंह ने कहा कि पार्टी अपने मंच पर इस पर चर्चा करेगी। संजय सिंह के जवाब को सुनकर ऐसा लगा कि वो खुद अपने सांसदों के रवैये और उनके बहानों से संतुष्ट नहीं है। हजार तरह के सवाल है उनके भी दिमाग में, पर मजबूरी है कि संजय सिंह या कोई भी कर ही क्या सकता है। पार्टी से कारण बताओ नोटिस ही जारी कर सकते हैं, और क्या कीजिएगा। इससे और भी भद पिटेगी, जनता में संदेश जाएगा कि पार्टी कमजोर हो चुकी है, कमजोर पार्टी को उनके समर्थक भी चुनाव में वोट नहीं देना चाहते हैं। अब अपनी इज्जत बचानी है तो अच्छा है कि चुप रह लो। वही आम आदमी पार्टी के पंजाब से सांसद राघव चड्ढा पार्टी की रीढ़ कहे जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर बात का जवाब बहुत ही सुलझे तरीके से देने के लिए जाने जाते हैं। शायद यही कारण रहा कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में पार्टी में अपनी पहुंच बना ली। अरविंद केजरीवाल ने उनकी योग्यता को देखते हुए ही उन्हें राज्यसभा में पहुंचा दिया। ऐसे वक्त में जब पार्टी के सबसे बड़े नेता को जेल भेज दिया गया, तो राघव की अनुपस्थिति कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। चड्ढा पिछले महीने आंख की सर्जरी के लिए लंदन चले गए थे, उनका मार्च के अंत में ही लौटने का कार्यक्रम था। इस तरह अब तक उन्हें दिल्ली में होना चाहिए था, पर अभी वे लंदन में ही है। उनकी पत्नी फिल्म स्टार परिणीति चोपड़ा इंडिया वापस चली आई। बता दें कि 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से चड्ढा थोड़ी आराम लेकर ट्वीट करते रहते हैं। संजय सिंह जेल से रिहा हुए तो उन्होंने अपनी जमानत पर खुशी जाहिर करते हुए
अपनी और सांसद की एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने केजरीवाल की पत्नी सुनीता द्वारा अपने पति को जेल से आप विधायकों को जनता के लिए काम करते रहने का संदेश देने का वीडियो भी दोबारा से पोस्ट किया, पर जिस लहजे और तल्ख अंदाज में बीजेपी को घेरने के लिए चड्ढा जाने जाते हैं, उस अंदाज का ट्वीट अभी तक नहीं देखने को मिला। वहीं जब मीडिया की तरफ से उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई तो मामले पर कमेंट देने से भी बचते नजर आए। अब समझ जाइए, उनके समर्थक बताते हैं कि उनकी वापसी में देरी हो रही है क्योंकि सर्जरी के बाद उनकी रेटिना डिटेचमेंट सर्जरी के निर्देश हैं और उन्हें धूप में बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है, कहा गया है। ऐसे में ये बहाना थोड़ा अजीब लग रहा है। वहीं दिल्ली से पहली बार सांसद बनी स्वाति मालीवाल भी अरविंद केजरीवाल की करीबियों में शामिल एक तेज तर्रार नेता है। उनके ना रहने का भी खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। मालीवाल इस समय अमेरिका में है और उन्होंने पार्टी से कहा है कि उन्हें वहां रहने की जरूरत है क्योंकि उनकी बहन बीमारी से उबर रही है। इधर पार्टी की बैंड बजी हुई है और पार्टी नेता अपनी बहन का इलाज करा रही है। मालीवाल भी सोशल मीडिया पर पार्टी और अपने नेताओं के समर्थन में संदेश पोस्ट कर अपने कर्तव्य का पालन कर ही लेती है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए मालीवाल कहती है कि मेरी बहन पिछले 15 सालों से अमेरिका में रह रही है, वो बीमार है और मैं उसकी देखभाल के लिए यहाँ हूँ। मैं जल्दी वापस आ रही हूँ और मौजूदा शासन की तानाशाही के खिलाफ मजबूती से लड़ूंगी। सवाल ये है ना कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हुए करीब 3 हफ्ते होने जा रहे हैं, वो कब तक आएंगी और कब संघर्ष करेंगी, कब आवाज उठाएंगी। इतना ही नहीं, भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन ने पंजाब से राज्यसभा सांसद बनने के बाद से ही आम आदमी पार्टी की गतिविधियों में शायद ही कभी भाग लिया हो। अपने नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। सोशल मीडिया पर उनके अधिकांश हालिया पोस्ट से पता चलता है कि जैसे हरभजन सिंह को यह पता ही नहीं है कि उनकी पार्टी के सर्वे सर्वा नेता की गिरफ्तारी भी हुई है। उनके पोस्ट देश में चल रहे आईपीएल के बारे में है। हरभजन सिंह एक्स पर 24 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री और आप नेता भगवंत मान को उनकी बेटी के जन्म पर बधाई देते हैं, पर केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कुछ नहीं लिखते। इतना ही नहीं, वो आपके विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के सवाल पर सीधे मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें इस संबंध में विस्तार से किसी से नहीं बताया। तो क्या मान लिया जाए कि हरभजन सिंह किसी के दबाव में है? हरभजन सिंह की बातें कई सवाल खड़ा कर रही हैं। क्या पार्टी में कोई उनसे संपर्क नहीं करता? दूसरी तरफ पंजाब के ही कुछ और सांसद हैं, इनमें राज्य से आप सांसद अशोक मित्तल भी हैं। इन्हें पार्टी गतिविधियों में काफी हद तक दूर देखा जा रहा है। अपने एक्स हैंडल पर मित्तल 23 से 27 मार्च के बीच जिनेवा में आयोजित अंतर संसदीय सम्मेलन के बारे में ट्वीट कर रहे हैं। अब देख लीजिए, जिन्होंने भाग लिया उस पर जिसने उन्हें इस लायक बनाया वे संसदीय सम्मेलन में भाग ले सके, उसकी गिरफ्तारी के लिए उनके पास एक शब्द नहीं है कि वो ट्वीट कर सके। वह सीधे कहते हैं कि पार्टी प्रमुख की गिरफ्तारी के बारे में बात करने के लिए वो अधिकृत नहीं है। उनकी एक और बात बेहद दिलचस्प है कि उन्हें पार्टी द्वारा हाल ही में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में आमंत्रित नहीं किया गया था। मतलब पार्टी के प्रमुख नेता की गिरफ्तारी हुई है, बड़े बड़े नेता तिहाड़ जेल में बंद है, सलाखों के पीछे हैं और विरोध प्रदर्शन के लिए भी महाशय को आमंत्रण चाहिए। वही पंजाब से ही एक और सांसद है संजीव अरोड़ा। अरोड़ा जी कहते हैं कि उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद 24 मार्च को सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की थी, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन में वो शामिल नहीं हो सके। अरोड़ा का कहना है कि पार्टी के लिए वो लुधियाना में काम कर रहे थे। इतना ही नहीं, पर्यावरण कार्यकर्ता और पंजाब से आपके राज्यसभा सांसद सीचेवाल भी अधिकांश पार्टी विरोध प्रदर्शनों में नहीं देखे गए। वो खुद को धर्मनिष्ठ बताते हुए सब कार्यों से दूर रहने का कारण बताते हैं। जबकि एक और सांसद विक्रमजीत सिंह सहनी, जो पार्टी की गतिविधियों से काफी दूर हैं, अपने नेता की गिरफ्तारी पर चुप्पे साधे हुए। तो केजरीवाल के चहेतों की इस हरकत पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जेल गए कई दिन हो गए, लोकसभा चुनाव है, ऐसे में पार्टी को इन लोगों की अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। वह इन लोगों की इस हरकत के बाद तिहाड़ में बंद केजरीवाल काफी परेशान हो उठे हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही, किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।